हमारी पूरी ट्रीटमेंट सुनवाने का काम करती है। कान की नसें खोल करके, कान के पर्दे ठीक करके, कान को ठीक करके सुनवाने का काम करती है। कान के तमाम प्रकार के रोगों की चिकित्सा करती है। सुनने के बाद में शब्दों का निर्माण करके, शब्दों को समझना, जिस भाषा में सीखेंगे उसी भाषा में शब्द को निर्माण करना है, उसके लिए रीडिंग थेरापी बहुत ज़रूरी है। रीडिंग थेरापी में पूरे शब्दों को पहले लिखा जाता है, फिर ज़ोर से पढ़ा जाता है, तो आपको समझ में आ लिखा है कि आपने रामायण लिखा है, तो रामायण का अर्थ समझ में आ जाएगा, कि रामायण का आपको सिग्नल समझ में आ जाएंगे। जो सिग्नल समझने हो तो जिस शब्द को आपने लिखा है उस शब्द को सुने, बार बार सुने, अच्छी तरह से सुने, तो आपको समझ में आ जाएगा कि यह होठ नहीं हिला रहा, रामायण बोल रहा है। कृपा करके ध्यान रखें, बार बार फ़ोन करके खाली अपने ही प्रश्नों को खुद रिपीट ना करें, आपके प्रश्नों का समाधान आपको स्वयं मिल रहा है। हमारी दवाई का परिणाम ऐसा है कि ट्रीटमेंट के दरमियान ही, प्रथम चरण के प्रथम तबक्के में ही आपको सुनने में फ़र्क महसूस होने लगेगा। इस दवाई का काम हियरिंग इम्प्रूवमेंट है। हियरिंग इम्प्रूवमेंट जब करता है तो आश्चर्य होने लगता है, सुनने में बहुत अच्छा लगता है, पर शब्द समझ में नहीं आता है। सारा संसार जो है शब्दों का जाल है, सभी भाषाएं शब्दों का जाल है। हे मित्रों, जर्मनी सीखनी है, जापानी सीखनी है, इंडियन सीखनी है, चाइनीज सीखनी है, हिंदी सीखनी है, गुजराती सीखनी है, जिस शब्द को सीखना है उसके शब्दों का निर्माण करना पड़ेगा। और शब्दों का निर्माण करने के लिए रीडिंग थेरापी लिख करके पढ़ने के सिवाय और कोई बढ़िया तरीका नहीं है। केवल सुनेंगे तो समझ में नहीं आएगा, धुन समझ में आएगी, परंतु लिख करके यदि सुनेंगे, जो भी बहरे बच्चे हैं जिनकी ट्रीटमेंट करवा रहे हैं उनको तुरंत पढ़ाना चालू करें। जैसे ही बड़े हो जाते हैं, 1.5-2 वर्ष के हो जाते हैं, ABCD 1-2-3 की दुनिया में ले आए, A4 apple, B4 banana वाला सिद्धांत सही है। हे मेरे प्यारे मित्रों, आप लोग समझने की चेष्टा करें, कान बहुत अनमोल धरोहर है। कान को काम में लेने के लिए सूर्य शब्दों का निर्माण है। सारा संसार शब्दों का जाल है। कोई घृणा कर रहा है, कोई प्रेम कर रहा है, कोई लड़ाई कर रहा है, कोई आपके संसार के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है, वो सारे शब्दों का निर्माण है, शब्दों के द्वारा ही संभव है। हे मेरे प्यारे मित्रों, डे टू डे यूज़ करने के लिए आप कृपा करके शब्दों का निर्माण लिख करके पढ़ कर करें। यदि आप पढ़ करके बोलेंगे तो आपको शब्दों का अर्थ समझ में आ जाएगा और आपकी डिक्शनरी जल्दी बनती जाएगी। मेमोरी बढ़ाने के लिए बादाम खाएं, विश्वास रखिए बादाम से बहुत बढ़िया बादाम, ड्राई फ्रूट्स खाएं, थोड़ा थोड़ा खाएं। मेमोरी बढ़ाने के लिए ब्राह्मी शतावरी शंख पुष्पिका, बाबा रामदेव या अन्य कहीं से भी ले लें, दवाई मिलेगी, उस दवाई को लेने से मेमोरी बढ़ती है। होम्योपैथी में भी ब्राह्मी आती है, ब्राह्मी 230, जो भी पोटेंसी लेनी हो ले सकते हैं। कृपा करके ध्यान दें, यदि दान में कोई तकलीफ हो, ज़्यादा तकलीफ हो, सड़ान हो, गंदगी हो, तो साइलिशिया 200X का उपयोग करके अपने कान को ठीक करें, या कैसे लेनी है, क्या है वो हम बताएंगे। कृपया करके ध्यान दीजिए, हर दवाई हर चीज़ अनमोल है। कैल्केरिया फ्लोर और साइलिशिया 200X केवल दो ही दवाइयों से आप कान की बाजी जीत सकते हैं। चेलोपोडियम चेलो वगैरह दवाइयाँ जो दी गई है वो आपको सपोर्ट मेडिसिन में दी गई है, जिससे आप ठीक हो सके। कान के अलावा, कान का संबंध पेट, लीवर, आंतों के साथ में है, खान पान के साथ में है। हल्का भोजन करें, शुद्ध करें, एक्सरसाइज करें, और कान की एक्सरसाइज करें जो मैंने बताया पॉइंट के लिए। थप्पड़ थेरापी ज़रूर करें। थप्पड़ थेरापी करने से फ़ायदा ये है कि ज्यों ज्यों सिर के ऊपर कान के आसपास में धीरे 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 थप्पड़ लगाएंगे, नसें चालू हो जाएगी। हे मित्रों, मरम थेरापी का उपयोग जरूरी है। मरम थेरापी थप्पड़ थेरापी के चमत्कार बहुत ज़बरदस्त है, मैंने अच्छों अच्छों को सुनता हुआ कर दिया है। जन्म के बैरों की समस्या बहुत कठिन है, हमने उस पर विजय प्राप्त की है, उनके सुनने की क्षमताएँ बढ़ा दी है। कोक्लियर इम्प्लांटेशन की अब शायद ज़रूरत नहीं पड़ती है, पर जिन लोगों को ज़रूरत पड़े हैं वो लोग करवा सकते हैं, पर जिनको ज़रूरत नहीं है वो कृपा करके कोई भी हालत में इम्प्लांटेशन कराने की न सोचें। इम्प्लांटेशन बहुत ही रेयर पोजीशन में करा सकते हैं। कृपा करके ध्यान दें, इम्प्लांटेशन केवल रेयर पोजीशन में ही कराएं। यदि आपको बेसिक स्थिति से आपका कान ठीक हो जाता है, सुनने लगते हैं, तो आप लोग बेधड़क होकर के इस विद्या का प्रयोग करें। इसको बहुत सस्ती, सरल और सुंदर रखी है।
इम्प्लांटेशन के दाम 9-9 लाख रुपये, 10-10 लाख रुपये है। गवर्नमेंट वो फ्री में नहीं करवा सकती, गवर्नमेंट के पैसे भी लगते हैं। एक बार कान काट लिया तो कट गया सो कट गया, यदि आपने नहीं कटवाया और ऐसे ही कान में सुनने की क्षमता बढ़ाने लगेंगे तो विश्व में आप लोग एक सामान्य व्यक्ति की तरह जी सकेंगे। हे मेरे प्यारे मित्रों, ध्यान दीजिए, परंतु यदि इम्प्लांटेशन की ज़रूरत है तो समय मत बिगाड़िएगा। आपको पहले निर्णय करना है कि हमें हमारे कर्ण दोष निवारण केंद्र में कान में डालने की दवाई और खाने की दवाइयों से, होम्योपैथी दवाइयों से आपके बच्चे और आप सुनने लगते हैं, हियरिंग इम्प्रूवमेंट होता है, कान के रोग ठीक होते हैं, तो कृपा करके इधर उधर न भटकें, पहले प्रयोगिया करें। यह सुंदर, सस्ता, अच्छा, टिकाऊ और गारंटी वाला प्रोग्राम इसलिए है कि इसमें सर्विस गारंटी है, हियरिंग इम्प्रूवमेंट की गारंटी है। गारंटी मेडिकल लाइन में क्यों दी जाती है? क्योंकि आपको विश्वास जमाया जाए। आपके हर व्यक्ति को अपने अपने शरीर के अनुसार से, अपने अपने बांधे के हिसाब से परिणाम मिलते हैं, जिसका जिसका इम्यून पावर, जिसका जिसका रोग। आप लोग समझने की चेष्टा करें, शब्दों के जाल में ना आए, फंसे नहीं हमारी बातों में ना आए, अपने निर्णय खुद करें। हमारी बातों में आने से आप गारंटियों के पीछे भागने लगेंगे, कान के जो निर्माण का कार्य है वो नहीं करेंगे। कान का निर्माण कार्य करवाना है तो कृपा करके ध्यान दीजिए, दवाई डालें, दवाई खाएं, बढ़िया व्यवस्थित करें कि इलाज करें, रिजिड ना होइए, चिंता मत करिए, दवाइयों को बहुत ज़्यादा ना खाएं, बहुत डालें नहीं, जैसे कहा गया वैसे करें। और आयुर्वेद में, होम्योपैथी में, एलोपैथी में जहाँ भी आपको मेमोरी की, कॉन्फिडेंस की दवाई मिले वो लीजिए। कॉन्फिडेंस के लिए अर्जेंटिकम नाइट्रिकम 200 या 1 mg का परिणाम बहुत 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 अच्छा है, कॉन्फिडेंस ज़बरदस्त आएगा। कान में दर्द के लिए साइलीसिया, कान के अंदर सड़ान, गंदगी, हड्डियों का गलना में साइलीसिया 200x है, और वैसे ही कैल्केरिया फ्लो 30x से लेकर के 6x से लेकर के 200x तक सभी दवाइयाँ मज़ेदार काम करती है। जीवन निर्माण के लिए ध्यान रखें। हे मित्रों, यदि ऐसा अनमोल समय मिला है, ऐसी विद्या मिली है, ऐसी ट्रीटमेंट मिली है, उसको न चुकें। कोई गारंटियों कागज़ों में नहीं पढ़ने की ज़रूरत है। जब एक घंटे में एक कान रेडी होने लगता है और परिणाम उसी तरह आने लगते हैं तो डरते क्यों हैं? आपको तो 6-6 महीने की जानबूझ के दवाइयाँ दी है, क्योंकि कान एक पूरी प्रोसेस है। कभी कान ठीक है, कभी गड़बड़ है, सामान्य व्यक्ति को भी कान दर्द करता है, लगता है, छोटा थी है, जो भी हो, सभी चीज़ की दवाइयाँ हमारे यहाँ पर होती है। कान के बारे में डरने की ज़रूरत नहीं है, कान निर्भय हो जाए। इस विश्व में हमने कीर्तिमान स्थापित किया है, पूरे विश्व की आबादी जितनी भी है उसमें आज तक किसी ने भी कान के बारे में इतने सफल प्रयोग नहीं किए। 1 लाख से ज़्यादा व्यक्ति मेरे हाथ से निकल चुके हैं, और अभी यूट्यूब, गूगल, सोशल मीडिया में और फेसबुक में हर वीक के करीबन 4-5 लाख का ट्रैफिक है जो इसको देखते हैं। यूट्यूब और गूगल के ऊपर, ट्विटर पर, सभी सोशल मीडिया पर इसके वीडियो डाले जा रहे हैं, समझाया जा रहा है। डरने की ज़रूरत नहीं है, भय खाने की ज़रूरत नहीं है, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, अविश्वास करने की ज़रूरत नहीं है, अपना कार्य विश्वासपूर्वक करें। मित्रों, एक बार की सफलता जीवन भर की सफलता है। हमारे यहाँ पर मारवाड़ी में एक शब्द है, 2 घड़ी को धम्मा कुटो सारे दिन की सेल। 2 घड़ी को धम्मा कुटो मतलब यदि एक बार 2 घंटा मेहनत कर ली तो जीवन भर की सफलता के सूत्र खुल जाते हैं। 2 घड़ी को धम्मा कुटो सारे जीवन की सेल, सारे दिन की सेल, मतलब 2 घंटा भी काम करेंगे तब होगा। तो जीवन के लिए कान के बहरेपन की ट्रीटमेंट यदि घंटा 2 घंटा दीजिए ना, और रोज़ नहीं देनी आपको तो बताया, महीने 15 दिन 10 दिन में एक बार देनी है। हे प्यारे मित्रों, समय अब आपके हाथ में बहुत कम है, आपने बहुत सारा समय खो दिया बहरापन में और कान की ट्रीटमेंट करवाने में। अब समय न बिगाड़े, इधर उधर न भटकें, एक बार प्रयोग करें, जीवन की सफलता आपके चरणों में घूम रही है। ध्यान दीजिए, इधर उधर न भटके, रीडिंग थेरापी करें, वर्ड थेरापी करें, शब्दों का निर्माण करें, पूछें, समझें, बिना एक्सरसाइज के, बिना शब्दों के निर्माण के, बिना मेहनत के सुनने का मोल नहीं है। केवल सुनाई दे रहा, उससे क्या होगा? अभी मैं कोई विदेशी भाषा में बकवास करूंगा तो उसका क्या मतलब हुआ है? आपको अपनी भाषा सीखनी है। मैं जितना भी कहूँ उतना कम है, समझने की चेष्टा करिए। कान आपका है, मन आपका है, तन आपका है। कान एक पूरे शरीर के साथ में संबंधित है, 5वीं इंद्रिय है। विश्व के द्वार यहीं से खुलते हैं, सारे संसार की समझ कान के द्वारा है।
चीन लड़ रहा है, पाकिस्तान लड़ रहा है, हिंदुस्तान लड़ रहा है, वो सब कान के ऊपर सुनाई देता है। तो मतलब कान और आँख, कान आँख मन मस्तिष्क को समझदारी अपने अपने ढंग से एनालिसिस होता है। कान का नियम है, काम आप बोलेंगे अपने ढंग से उसका अर्थगठन करेंगे तब उसको कान कहते हैं। देखने में भी देख करके अपने ढंग से एनालिसिस करेंगे उसको सुनना देखना कहते। क्या बताऊँ, बहुत बहुत बातें करनी है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।